हेलो ऑल दिस इज़ सानवी शर्मा आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल सोलफुल जर्नी आज मैं जनरलाइज्ड रीडिंग करने जा रही हूँ जो कि वर्गों यानी कि कन्या राशि वाले लोगों के लिए है ये रीडिंग नवंबर 2020 के लिए है ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हो ऐसा ज़रूरी नहीं है ये रीडिंग आपके साथ पार्शली रेजोनेट हो सकती है हो सकता है ये रीडिंग आपके साथ बिल्कुल भी रेजोनेट ना हो और हो सकता है ये कम्प्लीटली रेजोनेट हो सो so, जो लोग मेरी रीडिंग से इन्फ्लुंसड हैं और अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चाहते हैं वो मेरे साथ अपने रीडिंग बुक करवा सकते हैं ये बुकिंग आप व्हाट्सएप के थ्रू या मेरी ईमेल आईडी के थ्रू करवा सकते हैं मेरा व्हाट्सएप नंबर और मेरी ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेलाइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा जिससे कि आपको नए नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे सो लेट स्टार्ट हम एनर्जी चेक करते हैं कि ये जो नवंबर का महीना है ये वर्गो यानी कि कन्या राशि वाले लोगों के लिए क्या लेकर आ रहा है वॉट आर द एनर्जीज ऑफ वर्गो पीपल फॉर नवम्बर ट्वेंटी ट्वेंटी सो ये एनर्जीज निकल कर आई हैं यहाँ पर मुझे दो साइकिल्स नजर आ रहे हैं दो साइकिल्स हैं वर्गो पीपल आप लोगों के लिए So let's see कि ये साइकिल्स क्या डिस्क्राइब कर रहे हैं सो so कुछ लोग अभी नवंबर के मंथ में इन एनर्जीज में होंगे कि अभी भी कुछ लोग वर्गो पीपल आपको मिसअंडरस्टैंड कर रहे हैं मिस इंटरप्रेट कर रहे हैं आप जो कहना चाहते हैं दूसरे इंसान उस चीज को वैसे नहीं समझ पा रहे हैं दूसरे लोग कहीं ना कहीं आपको गलत समझ रहे हैं आप जो उन्हें बताना चाहते हैं वो उसमें ये चीज़ समझ रहे हैं कि कहीं ना कहीं आपका कोई सेल्फिश मोटिव है आपका कोई गलत मोटिव है ये बहुत लंबे अरसे से आपके साथ ऐसा हो रहा है अभी कुछ लोगों के लिए ये चीज़ ऐसी ही है अक्टूबर लास्ट में भी ऐसी ही है नवंबर में भी ऐसी ही होने वाली है और कुछ लोग इन एनर्जी से बाहर निकल जाएंगे ओके सो वर्गो पीपल आप इस सिचुएशन से बहुत लंबे अरसे से बाहर निकलना चाहते हैं आप चाहते हैं कि लोग जो आप उन्हें कन्वे करना चाहते हैं वो उस तरह से उस बात को समझें वो आपको गलत ना समझें आप अपने लव्ड वंस को प्रोटेक्ट कर सकें आप अपने लव्ड वंस के लिए उनको एक अच्छी एडवाइस देते हैं लेकिन लोग उस चीज़ को गलत समझते हैं तो आप इस सिचुएशन से बाहर निकलना चाहते हैं आप जिस जगह पर हैं ऐसा भी हो सकता है आप इतना परेशान हो गए हैं कि आप उस जगह को छोड़ कर कहीं और जाना चाहते हैं क्योंकि आपके आस उतनी पॉजिटिविटी नहीं है आप अगर किसी के लिए कुछ अच्छा भी करते हैं तो वो इंसानों से अच्छा ना समझ कर आपका कोई सेल्फिश मोटिव समझता है उस बात में तो इसलिए आप कहीं ना कहीं इस बात से इतने ज्यादा हॉट हैं कि आप अपनी जगह को छोड़कर आगे जाना चाहते हैं आप अपनी प्लेस चेंज करना चाहते हैं अगर आप अपनी प्लेस नहीं चेंज करना चाहते तो आप इस सिचुएशन से बाहर निकलना चाहते हैं तो ये जो चार कार्ड्स हैं बेसिकली ये जो तीन कार्ड्स मैं बोलूंगी फोर्थ कार्ड की बात नहीं करेंगे जो ये तीन कार्ड्स हैं ये आप कुछ वर्गो पीपल इन एनर्जीज़ में हैं और कुछ लोग इन एनर्जीज़ में हैं ओके सो so, जो लोग इन एनर्जीज़ में हैं मैं उनके लिए ही पहले चीज बता रही हूं आप जो आपके साथ हो रहा है ना विश से आप उससे इतने ज्यादा परेशान हो चुके हैं आप के पास जो है आप उसके ऊपर फोकस भी नहीं कर पा रहे हैं आपके इमोशंस अंदर ही अंदर ख़त्म हो रहे हैं और जो चीज़ें आपके पास नहीं हैं आप उनके पीछे भाग रहे हैं जो चीज़ आपके पास है आपने उससे भी अपना मुंह फेर लिया है आप किसी भी चीज़ को अब अपनाना नहीं चाहते आप अंदर से इतना टूट चुके हैं कि आप बहुत अकेला फील करते हैं आपके पास जो आपके इमोशंस हैं उनसे आपने अपना मुंह फेर लिया है आपके पास जो चीज़ें हैं उनसे आपने अपना मुंह फेर लिया है उसका रीज़न यही है कि आप सबके लिए अच्छा करते हैं लेकिन आगे से लोग आपको गलत समझते हैं ओके okay. लेकिन आप लोगों के लिए एक चीज़ है कि जो लोग अपने ऊपर काम करेंगे अक्टूबर लास्ट में या कर रहे हैं अभी भी अपने आप को हील करेंगे अपने ऊपर इस तरह से काम करेंगे कि उन्हें इस एनर्जी से निकलने में हेल्प मिले मेडिटेट करेंगे चांटिंग करेंगे भगवान के साथ या डिवाइन के साथ अपना कनेक्शन इस्टेब्लिश करेंगे उनके लिए नवंबर के मंथ में ये पेनफुल साइकिल डेफिनेटली ख़त्म हो जाएगा क्योंकि इस हीलिंग से इस मेडिटेशन से आपके अंदर इतनी ज़्यादा पॉजिटिविटी आ जाएगी कि आप लोगों से एक्सपेक्ट करना बंद कर देंगे आपके पास हर तरह से स्ट्रेंथ आ जाएगी आपके पास अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन अपने आप आ जाएगा आप चीज़ों को लेकर पॉजिटिव हो जाएंगे जिन चीज़ों को लेकर आप इतने नकारात्मक हैं कि आपको लगता नहीं है कि आप कभी इन एनर्जी से बाहर निकल पाएंगे वो ऐसा पेनफुल साइकिल जो आपका है वो खत्म हो जाएगा वो डेफिनेटली ख़त्म हो जाएगा जब आप अपने आप को हील करेंगे तब सो so, कुछ वर्गो पीपल अभी इन एनर्जीज में है तो आपको क्या करना है आपको अपने आप को हील करना है जैसे ही आप अपने आप को हील करेंगे डेफिनेटली आपके लिए ये पेनफुल साइकिल खत्म हो जाएगा और जैसे ही ये साइकिल आपकी जिंदगी का खत्म होगा तो नवंबर के मंथ में कुछ लोगों को एक नई डायरेक्शन मिलेगी और हो सकता है कि कुछ वर्गो पीपल आपको अक्टूबर लास्ट में ये नई डायरेक्शन मिल जाए अगर आपको ये नई डायरेक्शन जैसे ही मिलेगी प्राप्त होगी आपका सोचने का समझने का तरीका बदल जाएगा आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा आपको पता होगा कि अब आपको आगे मूव कैसे करना है आप चीज़ों को किसी और तरीके से देखना स्टार्ट कर देंगे आप ये चीज़ को लेकर के लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं अंडर कॉन्फिडेंट खुद को फील नहीं करेंगे आपके अंदर इतनी स्टेबिलिटी आ जाएगी कि आप एक डायरेक्शन जो आपने पकड़ी है उसमें आप पॉजिटिवली आगे की तरफ को मूव कर पाएंगे लेकिन आप अभी भी कहीं ना कहीं एक डर वाली सिचुएशन में होंगे क्योंकि अब आप कुछ भी अपनी ज़िंदगी में खोना नहीं चाहते तो उसको कह सकते हैं कि आप इस तरह से डिफेंसिव हो जाएंगे कि आप अपने आगे वॉल्स क्रिएट कर लेंगे और ये जो आप वॉल्स क्रिएट करेंगे जो अपने आप को आप डिफेंस कर लेंगे अपने आप को प्रोटेक्ट कर लेंगे उसकी वजह से हो सकता है कि आप कहीं ना कहीं अपने लिए ब्लॉकेज क्रिएट कर लेंगे तो आपको ऐसा नहीं करना है आपको ये डिफेंसिव मोड में काम नहीं करना है नो no डाउट जो पास्ट में हुआ उसने आपको इतना बड़ा शॉक दिया क्योंकि जो लोग इस एनर्जी में पहुंच जाएंगे उनके लिए पास्ट एनर्जीज हैं तो ये जो पास्ट में आपके साथ हुआ आपको उस चीज़ से डरना नहीं है आपको उन चीज़ों को लेकर परेशान नहीं होना है उसका रीज़न ये है कि ऐसा नहीं होने वाला है ये सिर्फ आपका वहम है कि शायद जो आपके साथ पास्ट में हुआ वही चीज दोबारा से आपके साथ होनी स्टार्ट हो जाएगी ऐसा नहीं है ओके आपको इस चीज को लेकर बहुत पॉजिटिव रहना है आपको अपने लिए ये एक नई ब्लॉकेज खड़ी नहीं करनी है हो सकता है वर्गो पीपल कई लोग जो ये रीडिंग अपने लव के लिए देख रहे हैं अपने रिलेशनशिप के लिए देख रहे हैं उनकी ज़िंदगी में उनका प्यार वापस आ जाए हो सकता है उनका यूनियन उनके प्यार के साथ हो जाए और जिनका ऐसा नहीं है उनका यूनियन डिवाइन के साथ होगा मींस डिवाइन उनको ब्लेस करेंगे इस महीने में उनको प्रोटेक्ट करेंगे उनकी ज़िंदगी में खुशहाली लेकर आएंगे क्योंकि बहुत लंबे टाइम के बाद आपको ये चीज़ समझ आई है कि आपको अपने आप को हील करना था आपको अपने आप के ऊपर काम करना था आपको अपने लिए कुछ पॉजिटिव क्रिएट करना था वो आपको बहुत लंबे अरसे के बाद ये इस चीज़ की समझ आई है और जब आप ये एक्शन ले लेंगे तो डेफिनेटली आपका यूनियन विद डिवाइन हो सकता है हो सकता है जो चीज़ों के बारे में आप सोच रहे थे अपनी विश फुलफिलमेंट के बारे में आप सोच रहे थे वो सारी चीजें आप पा सकेंगे अब ये नवंबर की एनर्जीज कुछ इस तरह की एनर्जीज हैं और अब आप अपने सबसे बेस्ट एडवाइज़र होंगे आपके पास अपनी हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होगा आप इस सिचुएशन पर आ जाएंगे कि लोग आपकी बात सुनेंगे लोग आपकी बातों को समझेंगे लोग आपसे एडवाइस लेने आएंगे क्योंकि आप उन्हें बहुत बेटर एडवाइस दे पाएंगे आपके पास अपनी प्रॉब्लम का भी सॉल्यूशन होगा यहाँ पर सॉल्यूशन के लिए कीज़ मौजूद हैं तो आप जो दूसरों को एडवाइस देंगे वो उनके लिए भी बहुत अच्छी साबित होगी जो आप अपने लिए काम करेंगे वो भी अच्छा साबित होगा डेफिनेटली mm. होगा तो यहाँ पर मुझे दो साइकिल्स नज़र आ रहे हैं कुछ वर्गो पीपल अभी इन एनर्जीज़ में होंगे जहाँ पर ये फर्स्ट साइकिल है आप इन एनर्जीज़ में होंगे जो आप स्ट्रगल कर रहे हैं आपको चीज़ों का समझ नहीं लग रहा है कि, कि किस तरह से आप इनमें से बाहर निकल सकते हैं ये जो आपकी स्ट्रगलिंग एनर्जीज़ हैं ये इस वजह से पैदा हुई हैं कि लोगों ने आपको मिसअंडरस्टैंड किया है लोगों ने मिस इंटरप्रेट किया है आप ऐसा कुछ नहीं करना चाहते लोग आपको गलत समझ रहे हैं जिन लोगों ने इस प्रॉब्लम को समझ के डिवाइन के आगे सरेंडर कर दिया है खुद को हील किया है खुद के ऊपर काम किया है उनके लिए ये पेनफुल साइकिल एंड हो जाएगा और जो हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए ये पेनफुल साइकिल एंड भी हो गया हो तो वो ये नेक्स्ट एनर्जीज में आ जाएंगे नवंबर में जहां पे उन्हें नई डायरेक्शन मिलेगी लेकिन फिर भी उनके अंदर डर थोड़ा सा बना रहेगा उनको जिंदगी के अंदर नई अपॉर्चुनिटीज इस वजह से मिलेंगी क्योंकि उनका यूनियन डिवाइन के साथ होगा डिवाइन उन्हें ब्लेस कर रहे हैं डिवाइन आपको हर एक आपकी विश फुलफिलमेंट की एनर्जी से ब्लेस कर रहे हैं तो आपकी बहुत सारी विशेष पूरी हो सकती हैं और आप अपने बेस्ट एडवाइजर साबित होंगे इस तरह से ये एनर्जीज वर्गो पीपल आपके लिए निकल कर आई है नाइन ऑफ कप्स का कार्ड है नवंबर के मंथ में बहुत सारे आपके जो इमोशंस जो खत्म हुए इस स्ट्रगल के दौरान आपको लोगों ने गलत समझा ये वाले जो इस एनर्जी में लोग हैं ना वो इस मेरी बात से बिल्कुल एग्री करेंगे कि उन्होंने ये स्ट्रगल किया और जो लोग ये स्ट्रगल कर ले कर रहे हैं आप प्लीज़ इस चीज़ को समझ लीजिए कि आपकी जो अगली एनर्जीज हैं वो बहुत पॉजिटिव हैं देखिए कितने पॉजिटिव कार्ड्स आपके लिए निकल कर आए हैं और जो लोग लो हीलिंग के फेज़ में हैं आप भी इस चीज़ को समझिए कि आपके लिए आगे चीज़ें ब्यूटीफुल होने वाली हैं पॉजिटिव होने वाली हैं ऑप्टिमिस्टिक होने वाली हैं सो so, यहाँ पर देखिए आपके बहुत सारे इमोशंस आपको वापस मिलने वाले हैं आपने जहाँ पर अपने जज्बातों को मार लिया था कि मेरे साथ तो हमेशा गलत ही होगा वो चीज़ें आपके साथ सही होंगी अब होनी स्टार्ट हो जाएंगी ये साइकिल बहुत स्टार्ट हुआ है आपके लिए और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आप सोच कर बैठे थे कि जिंदगी में दोबारा आपको कभी नहीं मिल पाएंगी आपने अपने अंदर वो जो एक छोटा बच्चा होता है उसे ख़त्म कर लिया अब आपको आपके 90% परसेंट 90% नाइन्टी परसेंट वो चुलबुलाहट आपकी वो आपको वापस मिल जाएगी और जो लोग आपको बहुत लंबे अरसे से बैक स्टैप कर रहे थे मतलब आपके सामने कुछ आपकी पीठ पीछे कुछ वो लोग अब आपकी ज़िंदगी से दूर हो जाएंगे डेफिनेटली ऐसा होगा जो लोग ये रीडिंग जॉब बिजनेस प्रोफाइल के लिए देख रहे हैं हो सकता है आपकी जॉब में चेंजेस हों आपको प्रमोशन मिल सकती है आपके पीछे बैक बाइटिंग करने वाले आपको पता लग गए होंगे जो आपके अगेंस्ट कॉन्स्पेरेसी कर रहे हैं कोई षड्यंत्र रच रहे हैं वो आपको पता लग जाएगा इस फेस में और आपके लिए चीज़ें अच्छी निकल कर आएंगी जो लोग बिजनेस में हैं उनके लिए भी ये चीज़ है कि आप अपने इंट्यूशन की सुनेंगे आप अपनी एडवाइस फॉलो करेंगे आप दूसरे के पास एडवाइस लेने नहीं जाएंगे क्योंकि आपके पास आपकी अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपको मिल जाएगा डेफिनेटली मिल जाएगा ओके okay, और वैसे तो कोई ऐसी प्रॉब्लम्स नहीं होंगी बल्कि लोग आपसे एडवाइस लेने आएंगे और लव रिलेशनशिप के केस में भी आपको शायद अपना प्यार वापस मिल जाएगा इस वजह से आप थोड़े डिफेंसिव हो जाएंगे आपको ऐसे डिफेंसिव नहीं होना है ये भी आपके लिए एक ब्लॉकेज साबित होगी इन फ्यूचर अगर आप इसी एनर्जी में ऑपरेट करेंगे हाँ मैं मानती हूँ कि थोड़ा बहुत डर लगता है इंसान को बट इतना मत डरिए कि आप अपने आप को खोल ना सकें आप अपने आप को रिसीविंग मोड में ना डाल सकें सो तो आपको इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना है ओके okay. सो so, लेट्स आकाशिक रिकॉर्ड से आपके लिए क्या निकल कर आता है सो so, आकाशिक रिकॉर्ड डायरेक्ट मैसेजेस फ्रॉम यूनिवर्स तो आकाशिक रिकॉर्ड से क्या एनर्जी है वर्गों यानी कन्या राशि वाले लोगों के लिए what are the messages what are the energies for virgo people for november 2020 what are the energies for virgo people for november 2020 what are the energies okay देखिए एक बात तो मैं बहुत गारंटी के साथ आपको कह सकती हूँ कि यू आर बींग प्रोटेक्टेड बाई एंजल्स आर्केंजल माइक कलर ओके सो लेट्स सी आपके लिए क्या निकल कर आया है पहले हम बॉटम ऑफ डेक को डिस्क्राइब करेंगे ये जो कार्ड है ये ये बताता है कि ये वो वक्त आ गया है जब आप अपने अंदर डिस्कवरी के लिए जाएंगे मींस आप अपनी इंटरनल पावर को एक्सपीरियंस करेंगे आप अपने अंदर से कुछ ऐसी चीज़ों की खोज करेंगे जिसके बारे में आपको पता भी नहीं है कि आपके अंदर भी ऐसी बार्स हैं मीन्स आप अपनी इनर सेल्फ के साथ कनेक्ट करेंगे आप मेडिटेशंस कीजिए आर्किंजल यूरियल के साथ ठीक है और आपकी जिंदगी में भी शायद कोई ऐसा इंसान आएगा जो कि एक एंजल के फॉर्म में आएगा जो कि आपको जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए हेल्प करेगा आप उसकी गाइडेंस को फॉलो कीजिएगा वो एक टीचर हो सकता है एक मेंटर हो सकता है एक कोई नया फ्रेंड हो सकता है जो आपके ये जो अंदर आपके द्वंद्व चला जो इतना स्ट्रगल आपने देखा उसका मतलब आपको बताएगा आप उस इंसान का इंतज़ार कीजिए हो सकता है अक्टूबर के मंथ में भी ऐसा कोई इंसान आपकी ज़िंदगी में आ गया हो लेकिन आप उसे रिकॉग्नाइज़ नहीं कर पा रहे होंगे तो प्लीज़ अपने अराउंड चेक कीजिए ऐसा कौन सा इंसान है कौन सा नया फ्रेंड आपका ऐसा है जो आपको इस मुसीबत से निकलने में हेल्प कर रहा है या आपकी हेल्प करनी स्टार्ट कर दी है उस इंसान ने ये जो रिलेशनशिप आप इस इंसान के साथ बनाएंगे ये बहुत इम्पोर्टेंट होगा आप इस ये जो आपकी जिंदगी में ये जो फेस है ना इसकी इम्पोर्टेंस को पहचानिए ये फुल मून देखिए ऊपर ये फुल मून का जो ये फेस है ये आपको नई डायरेक्शन देगा ये आपकी इंट्यूशंस को हायर करेगा आपकी हायर पावर के साथ आपका कनेक्शन सेटअप करेगा और ये जो फुल uh, मून है ये इससे आपकी एनर्जीज़ और हायर होंगी ये जो एंजल है ये आपको इस मून के कैसी एनर्जी है कैसे आपको आगे बढ़ना है उस चीज़ में आगे बढ़ने में हेल्प करेगी ये जो एंजल है ये कोई लड़की हो ऐसा जरूरी नहीं है कोई मेल भी हो सकता है कोई नया फ्रेंड हो सकता है नया कोई इंसान आपकी ज़िंदगी में ज़रूर एंटर हुआ है या नवंबर के मंथ में होगा जिन लोगों ने जो लोग स्ट्रगलिंग फेज में हैं उनकी ज़िंदगी में तो एंटर होगा जो लोग स्ट्रगल से आगे हीलिंग की तरफ बढ़ चुके हैं उनकी ज़िंदगी में ये इंसान आ चुका है आप इस इंसान को पहचानिए ये इंसान आपको अंदर जो आपकी इनर वॉइस है उसको सुनने में हेल्प करेगा आपकी इंट्यूशंस को ग्रो करने में हेल्प करेगा आपकी हायर सेल्फ को समझने में हेल्प करेगा तो आपको इन चीज़ों को समझना होगा आपको इस एंजल को पहचानना होगा ओके okay? सो so, जो लोग हीलिंग के रास्ते पर चल चुके हैं आप सही ट्रैक पे हैं आप उस ट्रेन में चढ़ने वाले हैं जो ट्रेन आपको डेस्टिनेशन तक लेकर जाएगी ओके okay? आप उस चीज को देख पाएंगे कि आपको पहुंचना कहां पर है आपका जो रास्ता है वो बिल्कुल सही है आप इस चीज़ को लेकर बिल्कुल भी अपने आप को क्वेश्चन मत कीजिए कि जिस ट्रैक पर आप हैं वो ट्रैक सही है कि गलत है आपका ट्रैक बिल्कुल सही है अगर आपने अपने आप को सरेंडर कर दिया है तो ये उन लोगों के लिए एनर्जी है जो लोग हीलिंग फेज में हैं जो लोग अभी तक हीलिंग फेज में नहीं हैं और स्ट्रगलिंग फेज में हैं उनके सामने दो रास्ते हैं एक रास्ता वो है जिस रस्ते को वो पहचानते हैं और दूसरा रस्ता वो है जो उन्हें पता नहीं है वो रास्ता उन्हें कहां ले जाएगा बट हम एक चीज को समझिए अगर आप जाने पहचाने रस्ते पर चलेंगे तो आपको उतनी सफलता प्राप्त नहीं होगी आप एक अननोन रस्ते पर चलेंगे तो आप जरूर पॉजिटिविटी की तरफ को बढ़ेंगे आपका दिमाग क्या कहता है आपका दिल क्या कहता है अगर आप इसी द्वंद्व में लगे रहेंगे तो आप अपने हीलिंग फेस तक नहीं पहुंच पाएंगे तो आपको वो रास्ता चूज करना है जो आपको पता है कि उस रास्ते के बारे में आपको बिल्कुल नॉलेज नहीं है आपको एक ऐसा अनजान रास्ता अपने लिए चूज करना है ऐसी एनर्जीज़ हैं आपके लिए जो लोग स्ट्रगलिंग फेज में हैं, जो हीलिंग फेज में हैं वो बिल्कुल सही ट्रैक पे हैं और जो हीलिंग फेज से आगे चल पड़े हैं ये नवंबर की एनर्जीज हैं आपको आर्केंजल माइकल प्रोटेक्ट कर रहे हैं आपकी जिंदगी में स्टेबिलिटी लेकर आ रहे हैं आपकी जिंदगी में आपकी पावर में वृद्धि होगी आपकी पावर इंक्रीज़ होगी आपकी इंट्यूशन इंक्रीज़ होगी क्योंकि आर्केंजल माइकल जिंदगी की बेसिक कॉर्ड्स को कनेक्ट करते हैं तो इसका मतलब ये है कि जो रिश्ते कही कहीं ना कहीं आपसे पीछे छूट गए कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो आपकी ज़िंदगी से दूर जाती गई जब आप स्ट्रगलिंग फेज में थे वो सारे आपके रिश्ते प्लस आपका बैलेंस प्लस आपकी स्टेबिलिटी सब चीजें आपको वापस मिलेंगी नवंबर का मंथ इस तरह से इतना खूबसूरत महीना आपके लिए निकल कर आया है वेरी ब्यूटिफुल एनर्जीज़ फॉर वर्गो पीपल कन्या राशि वालों लोगों के लिए ये फेज़ बहुत बहुत अच्छा है नवंबर का मंथ आपके लिए बहुत कुछ लेकर आ रहा है सो लेट्स सी कि आपका मोड ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए लेट्स what शुड बी द मूड ऑफ एक्शन फॉर वर्गो पीपल वर्गो पीपल आपके लिए क्या मूड ऑफ एक्शन होना चाहिए क्या काम करेंगे आप नवंबर 2020 में आपको किस तरह का काम करना है खुद के ऊपर लेट्स सी दैट सीक्रेट सिल्व क्रिएट सेकेंड डिवाइन हीलिंग ओके थर्ड वेरी ब्यूटीफुल मैं बहुत हैरान हूँ कि किस तरह से मेरे गाइड्स मुझे हेल्प करते हैं देखिए आप का जो बॉटम ऑफ द डेक है वो एक्सपेक्ट मेरेकल्स है देखिए क्या हो रहा है जो लोग स्ट्रगलिंग फेज में हैं उन्हें क्या काम करना है उन्हें अपने आप को पहचानना है कि आपके अंदर भी एक पायस एक प्योर सेल्फ है मीन्स आप खुद बहुत प्योर हैं आपकी जो सेल्फ है वो बहुत हायर सेल्फ है ठीक है आपको अपने आत्मा को पहचानना है अपने गिफ्ट्स जो आपको भगवान ने दिए हैं आपको उन गिफ्ट्स को पहचानना है ठीक है और आपको लाइफ में रिदम के अकॉर्डिंग चलना है आपको अपने आप को उन एनर्जीज़ में नहीं करना है या वहां पर अपने आप को नहीं रोकना है जहां पर लोग आपको गलत समझ रहे हैं अगर लोग आपको गलत समझ रहे हैं तो लेट दिंक वॉट देना आपको नहीं सोचना है कि वो क्या सोच रहे हैं आपको अपने थर्ड आई चक्रा पर काम करना है और डेफिनेटली अपनी कदर करनी है ठीक है ये एनर्जीज आपके लिए निकल कर आई हैं जो लोग स्ट्रगलिंग फेस में हैं जो लोग वो पहले तीन कार्ड्स में हैं ओके द अदर थिंग जो लोग हीलिंग वाली एनर्जीज में हैं जिनके लिए पेनफुल साइकिल खत्म हो रहा है उन्हें अपनी डिवाइन हीलिंग करनी है जो कि आप कर रहे हैं अपने आप को रिचार्ज करना है अपने आप को हील करना है आप तभी दूसरों को सपोर्ट कर सकते हैं अगर आप खुद को हील कर पाएंगे और जो भगवान ने आपको दिया है उसकी सेंसिटिविटी को समझना है कि वो आपको ही क्यों दिया है ओके okay? और आपको अपने हाथ चक्रा पर काम करना है आप ग्रीन कलर के जो क्लोथ्स हैं वो आप वेयर कीजिए वेडनेसडे डे को ठीक है वो चीज़ आपको हेल्प करेगी आप प्लांट्स को प्लांट कीजिए मींस नए पौधों को प्लांट कीजिए ऑन वेडनेसडे ठीक है वो भी आपको हेल्प करेगा तो जो आप हीलिंग कर रहे हैं उस हीलिंग में आप हार्ट से कनेक्ट करेंगे अपने हार्ट चक्रा पर काम करेंगे ये आपका मोड ऑफ एक्शन होगा जो लोग हीलिंग कर रहे हैं और जो लोग हीलिंग करके आगे बढ़ेंगे नवंबर के मंथ में आपके लिए कॉस्मिक गेटवे खुल जाएगा आपके अंदर एक ऐसी मैग्नेटिक पावर आ जाएगी जो चीज़ों के बारे में आप सोचेंगे जिन चीज़ों के बारे में आप समझेंगे जो वो आपके ड्रीम्स हैं आपके सोचने से पहले वो पूरे हो जाएंगे आप कभी इस सिचुएशन को आपने कभी इमेजिन भी नहीं किया होगा कि आपके साथ भी ऐसा हो सकता है लेकिन कॉस्मिक गेट आपके लिए खुल रहा है आपकी ज़िंदगी में जादू होगा आपकी ज़िंदगी में मेरेकल्स होंगे जो आपने कभी एक्सपेक्ट भी नहीं किए थे कभी आपने सोचे भी नहीं थे ऐसे मैजिक आपकी जिंदगी में होने वाला है ऐसा मैजिक आपकी जिंदगी में आपकी जिंदगी को खूबसूरत बनाने के लिए होने वाला है विच इज वेरी 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 ब्यूटीफुल ओके और बॉटम ऑफ द डेक पर है एक्सपेक्ट मिरेकल्स आपको एक्सपेक्टेशंस रखनी होंगी अब एक पॉइंट आ जाता है जब हीलिंग हो जाती है ना इंसान की उसके अंदर एक्सपेक्टेशंस वैसी नहीं रह जाती लेकिन जो आपने कभी एक्सपेक्टेशंस पहले रखी थी जब आपने अपनी हीलिंग नहीं की थी वो सब आपकी एक्सपेक्टेशंस अब पूरी होंगी जो ये मेरेकल्स हैं ये आपके साथ नैचुरली होंगे आपको एंजल्स प्रोटेक्ट कर रहे हैं आपके साथ डिवाइन कनेक्शन है आपके साथ चीज़ें अच्छी होने वाली हैं आपका स्ट्रगलिंग फेस डेफिनेटली ख़त्म होने वाला है विच इज़ वेरी ब्यूटिफुल फॉर वर्गो पीपल आपके साथ बहुत अच्छे अच्छे चेंजेस होने वाले हैं सो वर्ग ओ पीपल आपको इतनी टेंशन लेने वाली बात नहीं है जो लोग अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं उनको अपने आप को खोलना होगा उन्हें लोगों की परवाह करनी बंद करनी होगी तभी आप अपनी हीलिंग कर पाएंगे सो so, लेट्स सी कि डिवाइन आपको नवंबर 2020 में क्या मैसेजेस देना चाहते हैं क्या ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं व्हाट आर द मैसेजेस व्हाट आर द ब्लेसिंग्स फ्रॉम डिवाइन फॉर वर्गो यानी कि कन्या राशि वाले लोगों के लिए क्या मैसेजेस हैं क्या ब्लेसिंग्स हैं व्हाट आर द मैसेजेस व्हाट आर द ब्लेसिंग्स फ्रॉम डिवाइन फॉर वर्गो पीपल ओके सारे कार्ड बहुत पॉजिटिव निकले हैं डिवाइन ब्लेसिंग्स ही दे रहे हैं आपको देखिए कार्ड्स भी वैसे निकले तीन तीन के कार्ड्स निकल रहे हैं आपके लिए जो लोग अभी भी स्ट्रगलिंग फेज में हैं, आपको अपना दिल खोलना है मींस आपको उन्हीं टफ एनर्जीज में नहीं रहना है आपको ये चीज़ मैटर नहीं करनी चाहिए लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं ओपन योर हार्ट टू जॉय तभी आपकी ज़िंदगी में जॉय एंड डिलाइट होगा तभी आप अपनी जिंदगी को इंजॉय कर पाएंगे डिवाइन तो आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं लेकिन ये काम आपको खुद करना है अगर आप इसी चीज़ में फंसे रहे कि लोग हमारे बारे में क्या कह रहे हैं लोग सही सोच रहे हैं कि नहीं सोच रहे हैं लोग कहीं हमें गलत ना समझ लें वो तो जो समझ रहे हैं उन्होंने तो वैसे ही समझना है आपको अपना एटीट्यूड चेंज करना होगा सो so, जो लोग अपने हीलिंग वाले फेज में है उन्हें डिवाइन ब्लेस कर रहे हैं कि अब आप अपने हॉरिजन्स को एक्सपैंड कर दीजिए आप बड़ा सोचिए आप छोटा मत सोचिए आप चीज़ों को बड़े पैमाने पर देखिए आप अपने सोच के दायरे बढ़ाइए आप अपने बड़े बड़े ड्रीम्स लेकर आइए और उन बड़े ड्रीम्स के साथ आपकी सोच बढ़ेगी आपका विजन बढ़ेगा और आप उन ड्रीम्स को पूरा कर पाएंगे ओके जो लोग हीलिंग कर रहे हैं ये एनर्जी ये ब्लेसिंग उनके लिए है। द अदर ब्लेसिंग आपके लिए ये ब्लेसिंग है और ये एक मैसेज भी है आपके लिए जिन लोगों ने अपने ऊपर हीलिंग कर ली है और वो बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी में जाने वाले हैं नवंबर में उन्हें एक बात का ध्यान रखना है कि उन्हें अपने आप को ग्राउंडेड रखना है उन्हें अपने रूट्स का ध्यान रखना है उन्हें ये याद रखना है कि वो कहाँ से आए हैं उन्हें अपने स्ट्रगल के दिनों का याद रखना है उन्हें ईगो में ऑपरेट नहीं करना है आपको इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखना है कि अब आपके अंदर ईगो प्राइड जैसी एनर्जीज ना आ जाएं क्योंकि आपके साथ अच्छा होने वाला है जब इंसान के साथ अच्छा होता है तो वो कहीं ना कहीं अपने बुरे दिनों को भूल जाता है आपको ऐसा नहीं करना है ओके ये आपके लिए स्पेशल मैसेज है ब्लेसिंग्स तो जो हैं वो है ही हैं लेकिन क्योंकि ये ब्लेसिंग्स आपके लिए भी हैं ओके सो आपको अपने अंदर घमंड पैदा नहीं करना है ईगो पैदा नहीं करनी है और जिस तरह से आप अपनी हीलिंग करते हुए आगे की तरफ को बढ़े हैं आपने अपने स्पिरिचुअल सोर्स को खोल लिया है अब आपकी जो आत्मा है वो असेंशन की तरफ को चलेगी आप स्पिरिचुअली ग्रो करेंगे ये ब्लेसिंग डिवाइन आपको देना चाहते हैं आप अपने हीलर खुद साबित होंगे तो ये ब्लेसिंग्स और ये मैसेजेस हैं फॉर वर्गो यानी कि कन्या राशि वाले लोगों के लिए आई होप आपको मेरी ये रीडिंग पसंद आई हो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा जिससे कि आपको मेरे नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे थैंक्स फॉर वॉचिंग सी यू सून